असलम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब आई होप सब ठीक होंगे और आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ ये बहुत ही क्विक बन जाती है आप इसे टी टाइम पे भी इंजॉय कर सकते हैं ये बहुत ही क्विक बन जाते हैं बिल्कुल भी एफर्ट नहीं होती है इसमें और जो छोटे बच्चे बार बार ज़िद करते हैं कि हमें केक खाना है उनकी ग्रेविंग को भी ये पूरा करता है जस्ट वन कप फ्लावर और दो अंडों से आप सिक्सटीन टू एटीन मिनी साइज़ के टी केक्स बना सकते हैं एंड वन थिंग रिलेटेड टू दिस केक्स आई वॉन्ट शेयर विद यू ऑल जब मेरे बच्चे तीन चार साल पहले और छोटे थे तो हम सब मिल के लेट नाइट ये बेकिंग किया करते थे और मेरे बच्चे इसे बहुत एंजॉय करते थे सो वॉट आर वी वेटिंग फॉर लेट्स गेट स्टार्टेड तो यहाँ मैंने सबसे पहले दो एग्स लिए हैं और वन फोर्थ कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है मतलब के आधा कप प्लस टू टेबल स्पून तो यहाँ मैंने जस्ट इसे नॉर्मल ग्राइंड कर लिया था पीस लिया था और अब वन टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है जस्ट हम हैंड हैंडविक्स से ही से विस्क कर लेंगे दो से तीन मिनट विस्क करने के बाद अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की यहाँ मैंने एक कप मैदा लिया है अगर आप अपने बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो आप इसे व्हीट फ्लावर से भी बना सकते हैं मैंने वन टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है हाफ टी स्पून सॉल्ट और इन सबको मैं अच्छी तरह से विस्क कर लूँगी और अब चार टेबलस्पून मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है ये नॉर्मल टेम्परेचर का है और अब छः टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं बैटर को हाफ कर लूंगी और अब यहाँ मैंने वनीला बैटर को थोड़ा ज़्यादा रखा है और अब मैं इसमें दो टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर दूंगी और वन टीस्पून कॉफ़ी में मैं थोड़ा पानी मिला के इसे मिक्स करके इसमें ऐड कर दूंगी ये टोटली ऑप्शनल है और अब देखें यहाँ हमारे दो तरह के बैटर रेडी हो गए हैं और अब हम सैंडविच मेकर जो कि आज का हमारा अवन है इसे ऑयलिंग कर लेंगे अच्छी तरह से ब्रश से और यहाँ मैंने सैंडविच मेकर को थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था और अब हम वनीला केक वाला बैटर्स में डाल देंगे एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाई जस्ट टू मिनट्स के लिए हम इसे सेट करेंगे और फिर खोल के देखेंगे और ये देखें हमारी एक साइड अच्छी तरह से बेक हो चुकी है अब हम इसे फ्लिप कर देंगे और जस्ट इसी तरह से हम दो मिनट के लिए दोबारा से इसे बेक करने रख देंगे आपने इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है ये बहुत ही जल्द बेक हो जाते हैं और ये देखिए जस्ट थ्री मिनट्स में ही हमारे केक बेक हो चुके हैं और अब हम सेकेंड टाइप का केक बनाएंगे। इसके लिए मैंने वनीला बैटर ही ऐड किया है और इसके ऊपर मैं चॉकलेट चिप्स की टॉपिंग कर रही हूँ आप इसके ऊपर टूटी फ्रूटी या व्हाइट चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो और हम इसे भी इसी तरह से बेक कर लेंगे टू मिनट ईच साइड हर टाइप का केक बनाएंगे ये है मार्बल केक तो इसके लिए मैं वन वन टेबल स्पून बैटर को डालती रहूँगी वन टेबल स्पून वनीला और वन टेबल स्पून चॉकलेट और इस तरह से हम मार्बल इफ़ेक्ट दे देंगे एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मेरे बेटे ने थोड़ा कैमरे को मूव कर दिया था एंड ये दैट्स इट इस तरह से हम टू टू मिनट ईच साइड इसे भी बेक कर लेंगे एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम अपना चॉकलेट बैटर इसमें ऐड कर देंगे और आपको ऑयलिंग हर दफ़ा ही फ्रेश करनी होगी और इस तरह से देखें चार तरह के हमारे पास टी केक्स रेडी हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये एक अप्रिसशन होता है आपकी तरफ से एंड दे आर सो टेस्टी एंड स्पंजी एंड यू मस्ट ट्राई फॉर योर किड्स तो जल्दी से आप भी जाइए और सैंडविच मेकर को यूज़ कीजिए अवन की तरह से और इन्जॉय कीजिए एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो अल्लाह